अरे हो गया क्या जी? यहाँ पे अभी तुम डीएनए इसके ऊपर चला दो। अरे ठीक है, ये चला दिया, मैं बन गया। और यहाँ पे मेरा प्लान जो है वो याद है ना? जी सर। अरे गले का आवाज चेंज करो। अरे ठीक है सर। डुप्लीकेट शिनचैन, तेरा इतना हिम्मत? अरे रुक जाइए, आप यहाँ पे क्यों दरवाजा बंद कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे नहीं, अरे खोलो खोलो दरवाजा, खोलो, मैं असली शिनचैन हूँ। भाई साहब, माइकल का इतना हिम्मत कि वो दोस्ती के नाम पे यहाँ पे मुझे धोखा दे, ऐसा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ शिनचैन बोल। फ्रैंकलिन भैया, माइकल भैया तो ऐसा ही है, आपको पहले पता नहीं था? अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे नोबिता, तू कैसा बात कर रहा है? अरे मैं तुम्हारे बारे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे शिनचैन को शौक लगना, फिर यहाँ पे माइकल भैया का ये सब कुछ, कहीं फ्रैंकलिन भैया सब माइकल भैया का तो काम नहीं ना? अरे यार हो सकता है भाई साहब, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अबे भाई साहब, सुबह सुबह पानी में नहाना चाहिए भाई साहब, यह क्या थोड़ा सा अजीब खुशबू क्यों आ रहा है भाई कलुए? अरे क्या हुआ चौप? अरे भाई साहब यहाँ पे अजीब सा खुशबू क्यों आ रहा है? अजीब सा खुशबू मतलब? अरे यार कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना। अरे भाई साहब, तुम लोगों में से कौन यहाँ पर नया है भाई साहब? अरे तू कहना क्या चाहता है? भाई सब यहाँ पर कुछ लोहे लोहे का खुशबू आ रहा है यार। लोहे का खुशबू? अरे चौप क्या बोलना चाहता है? अरे लगता है चौप भी अबे पागल हो चुका है। अरे भाई सब तुमको एक बार सूंघू जरा। अरे हाँ सूंघ ले। अरे भाई सब, भाई सरा हुआ पचा हुआ बदबू भाई सब, तू तो कलुआ ही है अबे नोबिता। अरे तू भी भाई है भाई सब। अरे यार ये कुत्ता मेरे तरफ क्यों आ रहा है? अरे भाई सब यहाँ पर, भाई सब यहाँ पर कुछ नया खुशबू क्यों है? भाई साहब यहाँ पे कुछ नया खुशबू क्यों रे यार? अरे सुन कुत्ते, भाई साहब क्या बोला? अरे सुन कुत्ते, यहाँ पर अगर मुंह खोला ना तो फिर यहाँ पे तेरा असली वाला शिनचैन को मैं मार डालूंगा। भाई साहब क्या बात कर रहा है? अरे चुप क्या हुआ? अबे कलुआ कुछ भी नहीं यार, मैं यहाँ पर भाई साहब ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की का खुशबू यहाँ पे आ रहा था भाई साहब। भाई साहब शिनचैन कहाँ पर है? अरे कुत्ते यहाँ पे तू अपने यहाँ पे औकात में रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा अगर बड़बड़ किया और अगर यहाँ पे फ्रैंकलिन को कुछ बताया तो फिर तेरा शिनचैन गया। भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। अरे चुप क्या हुआ? अब भाई सब कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं चला अपने घर पर। भाई साहब यहाँ पे कलुआ को सब कुछ बताना पड़ेगा यार, क्या करूँ क्या करूँ भाई साहब, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है भाई साहब, यार क्या करूँ? अरे यार मैंने सोचा था कि यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया जो है वो ठीक ठाक कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया खुद ही यहाँ पे मुझे जो पहचान नहीं पाया, अभी यहाँ पे मेरा जो है वो कौन मदद करेगा? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो डुप्लीकेट शिनचैन यहाँ पर जाके यहाँ पर कब्जा करके बैठा है, और यहाँ पर, अरे यहाँ पर माइकल भैया कुछ कर सकता है? चलो यार माइकल भैया का घड़ी जाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अरे यार माइकल भैया सिर्फ आप ही हो जो कि मुझे बचा सकते हैं इन सभी संकटों से। अरे चलो माइकल भैया का घड़ी जाता हूँ, अरे यहाँ पे दौड़ दौड़ के जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, चलो। अरे यार चौप को क्या हुआ? अरे चौप, ए भाई सब चुप। ए भाई सब क्या हुआ? अरे चुप, तू ऐसा करके भाग क्यों आया? ए भाई सब तुझे कुछ बताना है कलुए। अरे क्या बताना है बोलो। अरे हाँ चुप बोलो ना, यहाँ पे मैं भी सुनना चाहता हूँ। अबे भाई सब ये कहाँ से आ गया? अबे भाई सब कुछ भी नहीं यार, यहाँ पर बस मैं यूं बोल रहा था कलुआ मेरा खाना दे। अरे खाना तो पड़ा है यार, यहाँ पे टट्टी करके रख दिया, चलो शिनचैन। अरे हाँ चलिए फ्रैंकलिन भैया। भाई सब तू जो कर रहा है शिनचैन का रोबोट, तू यहाँ पे ठीक नहीं कर रहा है भाई सब, मेरा असली वाला शिनचैन। अरे यार नोबिता। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। भाई सब यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है यार, यहाँ पर भाई चौप का इस तरह से बिहेवियर। शिनचैन। अरे हाँ बोलिए। मुझे ना तेरे ऊपर शक हो रहा है। अरे क्या? अरे ऐसा ही होता है जब यहाँ पर कोई अपने जान के ऊपर खेल के यहाँ पर जो पैसा बचा के लाए और सच बताए तो फिर यहाँ पे शकी होता है फ्रैंकलिन भैया। अरे यार सॉरी, माफ कर देना यार, सॉरी यार। चलो कोई नहीं, यहाँ पर भाई साहब बोलो तुम लोगों को क्या खाना है? अरे खाना बाना बाद में फ्रैंकलिन भैया। अरे तू तो ऐसा नहीं बोलता था। अरे सुनिए ना मेरा बात। अरे हाँ बोलो। फ्रैंकलिन भैया चलिए ना आज कहीं घूम के आते है। घूम के आते? अरे ये सब चीज के बाद भाई सब घूमने जाना चाहिए क्या? अरे हाँ चाहिए, चलिए ना। अरे यार कहाँ जाएंगे यार,
ठीक है चलो यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं, तब तक भाई साहब हम लोग यहाँ पे कुछ खाना भी बना लेते, खा के पी के जाएंगे। अरे हाँ ठीक है चलिए। ठीक है यार चौप क्या खाना है भाई? सब कुछ भी नहीं। अरे चलो माइकल भैया का घर आ गया। अरे माइकल भैया, अरे यार ये हर टाइम यहाँ पे माइकल भैया गेट क्यों बंद रखता है? अरे यार कौन है? अरे माइकल भैया मैं हूँ शिनचैन। अरे बापरे, अरे शिनचैन अरे गिर क्यों गए? अरे माइकल भैया, माइकल भैया यहाँ पे मुझे बचाओ। अरे यार क्या बात है शिनचैन, ऐसे करके दौड़ के क्यों आ रहे हो? अरे माइकल भैया क्या बताऊँ, यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया गए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे तू उसके बारे में बात मत कर शिनचैन। अरे क्यों यार? क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन से कुछ पैसे मांगा था। अरे हाँ वो पैसा तो मैं ही लेकर आ रहा था। अरे क्या तू लेकर आ रहा था मतलब शिनचैन? अरे माइकल भैया यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया ने मुझे 1,00,000 रुपए दे के भेजा था। अरे यार तो पे पैसा कहाँ है? अरे यहाँ पर बीच सड़क में। अरे बल्लास, अरे यार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बाबा बाबा बा, यहाँ पे तो हम लोगों का यहाँ पे भाई सब देखो एक महीने का जुगाड़ हो गया। कितना पैसा? अरे लो मैंने पैसा लुक छुपा दिया। अरे यार मुझे तुम लोगों की मुंह नहीं लगना। अरे यार इसको जाके मारो। अरे क्या मुझे मारेगा? तेरा इतना हिम्मत, मैं फ्रैंकलिन भैया को फोन करता हूँ। रुक जाओ मैं अभी फोन करता हूँ फ्रैंकलिन भैया को। कहाँ गया फोन? अरे ये रहा। अरे हटो, अगर फ्रैंकलिन को फोन लगा दिया तो मुसीबत। ये ले। अरे यार मुझे क्यों मार रहे हो? ये ला, ये खा। अरे चलो शिनचैन यहाँ पे बेहोश हो गया है। ए यहाँ पे हमारा शिनचैन को लेकर आओ, हमारा प्लान कामयाब होना चाहिए। गायक जी बॉस, ए शिनचैन 2.0 जल्दी आओ। अरे मैं आ गया। अरे यहाँ पर तुम बिल्कुल शिनचैन जैसा दिखने में हो। अरे थैंक यू। अरे यहाँ पे इसका गले का आवाज चेंज करो, यहाँ पे आके देखो, ये है शिनचैन नुहारा और इसी के घर में तुमको रहना है, ठीक है? अरे ठीक है। अरे हाँ यहाँ पर ताकि फ्रैंकलिन को कोई शक ना हो, मैंने जो प्लान बताया है वो सभी प्लान के मुताबिक काम करना। यहाँ पर फ्रैंकलिन क्लिंटन को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। चल इस बेवकूफ को मैं ले लेता हूँ। चलो इसको मैंने पीठ पे ले लिया है और यहाँ पे मेरा प्लान जो है वो याद है ना? जी सर। अरे यार तुम माइकल के घर नहीं गया था क्या? अरे माइकल के घर क्यों जाऊंगा? पता चल गया डुप्लीकेट शिनचैन, तेरा इतना हिम्मत। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे चल भाग यार डुप्लीकेट कहीं का, यहाँ पर आया है तू शिनचैन का जगह लेने के लिए। अरे इसको और मारो फ्रैंकलिन भैया। अरे निकल जा भाई साहब यहाँ से, नहीं तो भाई साहब तेरे को मैं यहाँ पर। अरे कहा गया? अरे रुक जाइए, यहाँ पे गलती कर रहे हैं। अरे मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, रोबोट की बच्चा। बता क्या प्लान है तेरा? अरे मेरा कोई प्लान नहीं है। अरे ये चल भाई साहब, ये ले। अरे ये कहा गया? अरे ये ले भाई साहब। अरे नहीं ठीक है, मुझे पता चल गया तू ऐसे नहीं चलेगा। अरे मुझे छोड़ दीजिए। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो? अरे नहीं, अरे फ्रैंकलिन भैया मारो। अरे हाँ इसको जाके बाहर फेंक दो। अरे हाँ मैं जाके इसको बाहर ही फेंकूंगा, चल। अरे नहीं आप गलत कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया। अरे तू निकल जा रोबोट। और मुझे यहाँ पर रोबोट बोल के यहाँ पर जो निकाल दिया रोबोट शिनचैन। अरे और मतलब फ्रैंकलिन ने मुझे जो यहाँ पे फोन करके बका वो सब कुछ यहाँ पे रोबोट का मैनिपुलेशन था? अरे मतलब? अरे और यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को कॉल किया था कि फ्रैंकलिन पैसा क्यों नहीं आया, इतना ज्यादा बुरा, इतना ज्यादा गंदा बिहेवियर मैंने आज से पहले लाइफ में कभी नहीं यहाँ पर पाया। अरे पता नहीं फ्रैंकलिन मुसीबत में शिनचैन। अरे हाँ इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ माइकल भैया, चलिए ना फ्रैंकलिन भैया को बचाना है। लेकिन यार यहाँ पर क्या फ्रैंकलिन मेरे बातों के ऊपर विश्वास करेगा? अरे यार यहाँ पे विश्वास कराना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तू यहाँ पे रोबोट शिनचैन नहीं है? अरे यार मेरे को कोई भी सवाल कर लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर यहाँ पे रोबोट शिनचैन होता तो फिर वो तो जवाब नहीं दे पाता ना। अरे ठीक है तो फिर शिनचैन यहाँ पे तुम्हारा मॉम का नाम क्या है? अरे मिस सिनोहरा। डैड का? हिरोशी नोहरा। बताओ मेरा टोटल कितना बिजनेस है?
अरे टोटल 100 के ऊपर, दो तीन तो यहाँ पे आप जो है वो गंदा वाला काम करते हो। चुप 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 चुप, मुझे पता चल गया यार कि तू यहाँ पर जो असली वाला सिंचन है। अरे हाँ, अरे चलिए ना। अरे हाँ आ जाओ सिंचन, यहाँ पे फ्रैंकलिन जो मुसीबत में है उसको बचाना पड़ेगा। अरे माइकल भैया, यार फ्रैंकलिन भैया ने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मार के मुझे घर से निकाल दिया। उसने मेरा बात को यहाँ पे सुनना जो है वो एक बार भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नहीं समझा। अरे फ्रैंकलिन बहुत जल्द यहाँ पर जो मैनिपुलेशन में फंस जाता है, चलो यहाँ पर मैं जाके समझाता हूँ। अरे हाँ चलो, लेकिन क्या वो आपका बात मानेगा? अरे यार ठुक गया, सॉरी। अरे यार आप भी माइकल भैया यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया की तरह यहाँ पर जो गाड़ी चलाते हो। अरे हाँ सिंचन, लेकिन अभी ये सब कुछ बात करने का समय नहीं है, अभी समय है सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन को यहाँ पर ठीक करना। चलो उस रोबोट सिंचन को आके जाके यहाँ पर जो वाट लगाते हैं, चलो। अरे लो यहाँ पे तुम्हारे घर के सामने आ ही गए हैं। अरे वो मेरा घर नहीं है, मुझे तो घर से निकाल दिया। अरे मतलब फ्रैंकलिन के घर के सामने आ गए हैं। अरे चलो अभी जाके यहाँ पे मैं फ्रैंकलिन को सब सच सच बताता हूँ। अरे हाँ देखो विश्वास करता है कि नहीं। अरे रुको, विश्वास तो करना चाहिए यार। एक सिंचन तुम एक काम करो। अरे हाँ बोलिए। यहाँ पर तुम खड़े रहो, जब तक ना मैं बुलाऊ तुम तब तक मत आना। अरे हाँ ठीक है। ठीक है सिंचन, चलो यहाँ पर मैं जाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो माइकल भैया आ गया। अरे आने दो बस इसको। अरे यार क्या हुआ माइकल? अरे फ्रैंकलिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे भाई साहब यहाँ पे तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में आने का? अरे यार तू कैसा बात कर रहा है फ्रैंकलिन? भाई साहब निकल जा माइकल, निकल जा। अरे फ्रैंकलिन तू ये कैसा बात कर रहा है? क्या तुझे पता है यहाँ पर जो तेरे साथ सिंचन रह रहा है ये डुप्लीकेट सिंचन है? अरे हाँ तू बहुत भाई साहब यहाँ पे असली वाला सिंचन है, तू नहीं तो ये डुप्लीकेट सिंचन को बनाया था ना मेरे से बदला लेने के लिए। क्या मैंने बनाया था? अरे पागल हो क्या? अरे सिंचन ने खुद की अपने कानों से सुन के आया है। अरे तू यहाँ पे कैसा यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा है? ऐ सिंचन। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे मारेगा। मारेगा नहीं, मारूंगा। माइकल की बच्चे, तेरा इतना हिम्मत माइकल, तेरा इतना हिम्मत। ओ ओ फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? अरे मारो फ्रैंकलिन भैया। चल माइकल। फ्रैंकलिन भाई साहब यहाँ पर अगर नहीं निकला माइकल तो भाई साहब मुझे मजबूरन गोली चलाना पड़ेगा। भाई साहब कलुए। अरे क्या हुआ भाई साहब? रुक जा। अरे चुप भाई साहब, जो मर्जी वो कर, चले जा यार। अरे फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अरे यार यहाँ पर मैं क्या बताऊँ माइकल, तूने मेरे साथ यहाँ पर जो गंदा वाला प्लान रचा ना उसका मैं यहाँ पर बदला अभी अगर चाहूँ तो ले सकता हूँ, तेरे को गोली मार के खत्म कर सकता हूँ। निकल जा माइकल, चले जा यहाँ से। अरे ठीक है फ्रैंकलिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तू यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर गंदा काम कर रहा है। तू यहाँ पर मैनिपुलेशन में फंस चुका है, मेरा यहाँ पर जो भी फंसा मैं खुद भी यहाँ पे निकल आऊंगा, तुझे यहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं है। निकल जा माइकल नहीं तो। अरे जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। भाई साहब भागो यहाँ से। ठीक है फ्रैंकलिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तेरा जिंदगी खतरे में है भाई साहब, तुझे यहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से मैनिपुलेशन किया है भाई साहब। सिंचन अरे चुप क्या तू मुझे यहाँ पे पहचान गया? भाई साहब पहचान गया। अरे चुप अगर तू यहाँ पे इसको पहचान गया तो मैं तू अपने फ्रैंकलिन को क्यों नहीं बताता? अरे भाई साहब मैंने बताना चाहा, लेकिन यहाँ पर वो रोबोट सिंचन यहाँ पे सिंचन को मारने का धमकी दे रहा है। भाई साहब अगर मैंने बता दिया और अगर नोबितर कलुआ को मार दिया तो मैं यहाँ पे चुपू। अरे माइकल अंकल कुछ तो करो। अरे यार ये रोबोट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला काम कर रहा है और फ्रैंकलिन यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। चलो सिंचन यहाँ पर फिलहाल जाते हैं। अरे हाँ भाई साहब सिंचन तू जा रहा है? चुप फिलहाल मैं जा रहा हूँ चुप, लेकिन मैं फिर से आऊंगा फ्रैंकलिन भैया को ये सब कुछ बताने के लिए। चुप यहाँ पे फ्रैंकलिन और नोबिता का ख्याल रखना। भाई साहब जरूर। अरे और सिंचन क्या बताओ यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो गया, फ्रैंकलिन का दिमाग में यहाँ पर गंदा वाला यहाँ पर जो मैनिपुलेशन घुस चुका है, यहाँ पर बहुत समझ रहा है कि मैंने उसको यहाँ पे मारने के लिए यहाँ पर जो रोबोट बनाया था, मतलब रोबोट सिंचन ने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर जो है सब कुछ किया है। अरे हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर किसने किया। अरे मैंने तो बोला ना बल्लास ओजी ने। अरे बल्लास ठीक है,
चलो बल्लास के पास जाते हैं। अरे बल्लास के पास जाएगा क्या होगा? चलो स्वेड में बताता हूँ क्या होगा। लेट्स गो सिंचन। भाई साहब मैंने माइकल के साथ ये सब किया। अरे फ्रैंकलिन भैया आप इसके बारे में मत सोचो। फ्रैंकलिन भैया माइकल भैया ने यहाँ पर जो आपको मारने के लिए सब कुछ किया था ना, वो यहाँ पे आया था आपको मारने के लिए। अरे हाँ यार, अरे चलो दोस्तों कहीं घूम के आते। अरे हाँ चलो, ताकि मेरा यहाँ पर माइंड फ्रेश हो जाए। पता नहीं यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, जो मेरा बचपन का दोस्त है वो मुझे मारना चाहता है, ऐसा क्यों यार? यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब कलुए। अरे चुप। अरे चुप यार, तू बार बार मुझे बुला क्यों रहा है? भाई साहब कहाँ जा रहा है? अरे चुप, मैं घूमने जा रहा हूँ। हम शिनचैन नोबिता। भाई साहब आज मुझे भी लेकर चल। अरे चुप, ठीक है भाई साहब आ जाओ। अरे पेंगलिन भैया इस कुत्ते को क्यों? क्या बोला शिनचैन? भाई साहब शिनचैन तूने क्या बोला? अरे शिनचैन तो ऐसा नहीं बोलता था कलुए। शिनचैन? अरे मतलब यहाँ पे गलती से निकल गया। आइंदा से गलती नहीं होना चाहिए। चुप के वो कुत्ता मत बोलना। भाई साहब चलो आ जाओ। भाई साहब कलुआ तू समझता क्यों नहीं बे? घन चक्कर कहीं का एक नंबर का। चुप, आना है कि नहीं? भाई साहब आता हूँ। भाई साहब ले आ चुका हूँ। चलो यार यहाँ पे जाके घूम के आते। अरे फ्रैंकलिन भैया माउंटेन के पास लेके चलो ना। भाई साहब माउंटेन के पास तो बल्ला सोजी का अड्डा है। पता है मुझे यहाँ पर की बो यहाँ पर उसी लिए लेके जा रहा है। अरे चुप, क्या बड़बड़ा रहा है तू? अरे भाई साहब मैंने कुछ नहीं बोला कलुआ, तू गाड़ी चला। अरे चुप, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं तो। अरे यार चुप, भाई साहब लगता है पागल हो चुका है। चलो यार माउंटेन की तरफ ही जाते। माउंटेन पे जाके यहाँ पर भाई साहब ठंडा ठंडा हवा खाएंगे तो मेरा दिमाग यार बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। यार ये सब कुछ चीजों से मुझे निकालना पड़ेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैंने तो वही बोला। चलो यार लेट्स गो। शिनचैन तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? अरे फ्रैंकलिन भैया क्योंकि यहाँ पर मुझे एक जगह पता है। अरे यार कहाँ पर है? अरे भाई मत जा मत जा। अरे बाय ले लो। बाय? ठीक है चल मेरे भाई, यहाँ पे ले लेता हूँ बाय। अरे यार वो देखो वहाँ पे चलो। अरे हाँ चल जाओ यार, लेकिन एक सेकंड यार, यहाँ पर तो मेरा दुश्मन बल्लास रहता है। अरे फ्रैंकलिन भैया दुश्मन होगा अपने जगह पर, यहाँ पर तो हम लोग घूमने जा रहे हैं ना। अरे वो भी सही है यार, चलो लेट्स गो। अरे हाँ चलो। अरे यार भाई साहब बल्लास, चलो भागो भागो यहाँ से। फ्रैंकलिन भैया रुकिए ना। अरे यार यहाँ पे क्यों? अरे मुझे सुसु करना है। अरे यार ठीक है लेकिन यहाँ पे नहीं। अरे रुकिए ना डरपोक। अरे शिनचैन तुझे मुझे डरपोक बोला? अरे हाँ, अगर डरपोक नहीं हो तो क्या हुआ, बल्लास से डर गए? ठीक है तू जा यहाँ पे बल्लास के घर के सामने जाके यहाँ पर जो मूत किया भाई सब मैं भी देखूंगा बल्लास जो क्या करता है। भाई साहब मत जा कलुए, मत जा बे कलुए, मत जा। चल शिनचैन चले जा यहाँ पे, देखता हूँ क्या होता है। अरे हाँ ठीक है भाई साहब। चलो यार शिनचैन गया यहाँ पे सुसु करने के लिए। भाई साहब मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ कलुए। अरे क्या यार? कि यहाँ पे ये भाई साहब शिनचैन नहीं है भाई साहब। अरे क्या बोल रहे चुप? अबे हाँ भाई साहब ये शिनचैन का रोबोट है। क्या? अरे यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैं यहाँ पर उसको लेकर आ चुका हूँ, वो कुत्ता सब कुछ बोल देगा। अरे क्या बोल रहे हो? अरे हाँ उस कुत्ते को सब कुछ पता है क्योंकि वो कुत्ता है, और मेरा यहाँ पर जो वो उसने खुशबू जो सूंघ लिया है। जल्दी करो। अरे ठीक है बॉस चलिए। ठीक है भाई साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है टारगेट लॉक और ये लो। अरे अरे नहीं, चलो मार दिया उसको, यहाँ पर बेहोश हो चुका, जल्दी करो। अरे हाँ बस चलिए, चलो लेके आओ। अरे बहुत बढ़िया किया तुमने शिनचैन, अरे मतलब यहाँ पर रोबोट शिनचैन, लेट्स गो। अरे हाँ जाइए जाइए। हमारा प्लान कामयाब हो गया, यहाँ पर फाइनली फ्रैंकलिन क्लिंटन हमारे हाथ पर आ गया। यहाँ पे फ्रैंकलिन क्लिंटन को लेके चले जाओ, जाओ यहाँ पे। शिनचैन यार यही कही था बल्लास का यहाँ पे अड्डा। अरे हाँ, अरे ये रहा इस साइड पे रहे। चलो शिनचैन। अरे हाँ चलिए। लेकिन अगर बल्लास ने हम लोगों को देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगा शिनचैन, इसीलिए धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अरे हाँ ठीक है माइकल भैया। ठीक है यार यहाँ पर चलो हम लोग जाते है। एक सेकंड, यहाँ पर बल्लास के अड्डे पे यहाँ पर इतना धुआं क्यों? अरे बल्लास का अड्डा पूरा खाली। चलो यार कुछ तो गड़बड़ है। अरे हाँ मुझे भी लग रहा। अरे क्या शिनचैन, क्या चुप है? अरे अरे क्या चुप? अरे हाँ शिनचैन ये तो चुप है, चुप।
अरे यार, अरे चुप उठो, चुप, अरे चुप उठ जाओ, अरे चुप उठो, चुप, चुप यार उठो, चुप। अरे यार, ये अभी तक जिंदा है शिनचैन, यहाँ पे इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे यार जल्दी करो। अरे हाँ चलो जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ ये सब कुछ हुआ और माइकल यहाँ पर जो लेट पहुंचा। अभी आगे यहाँ पे फ्रैंकलिन के साथ और क्या क्या कुछ होना बाकी है वो तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोग इस सीरीज को अगर 1000 लाइक तक पहुंचा देंगे और पार्ट 3 का कमेंट करेंगे तो पार्ट 3 बहुत जल्द आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।